गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एस जे व्लॉग्स। नेपाल राइड के इस एपिसोड में हम अभी बेसी शहर में, आपको जैसे कि पता है कि हमने एक बहुत बड़ी राइड कंप्लीट की है अभी, जो कि है मनांग राइड। और अब हमारा प्लान है यहाँ से मुस्तांग जाने का। मुस्तांग हालांकि 2019 में मैंने कर रखा था, लेकिन मेरा बड़ा मन है कि एक बार ही वापस से जाऊँ। 2019 में उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं किया था, उस एन्जॉयमेंट के साथ नहीं किया था, परेशान होकर किया था। इस बार ही एन्जॉय करके करना है, और इस बार ही मेरे साथ, मैं अकेले नहीं जा रहा। आपको जैसा पता है, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस फॉलो की है, तो हमारे साथ यासिर भाई है, विच इज़ फ्रॉम हु इज़ फ्रॉम जम्मू, और इन्होंने भी मुस्तांग राइड करना है। तो अभी हम बेसी शहर में आ गए थे कल रात में, और हमने यहाँ पर स्टे लिया बहुत दिनों के बाद। बहुत फ्रेश लग रहा है, क्योंकि -6 से हम डायरेक्ट 16 डिग्री टेम्परेचर में आए हैं, तो अच्छा खासा नहाया है। बाकी यार चलो, यहाँ से सब सामान पैक करते हैं, अपनी बाइक पर रखते हैं, और मैं आपको मिलता हूँ सीधे अपने गोप्रो में। तो हम रुके हुए थे टानाहुन रेस्टोरेंट लॉज में, और यहाँ पे मेरा स्टिकर है, यहाँ पे क्या नाम बताया, एलिस थापा। हाँ, एलिस थापा फ्रॉम काठमांडू मुझसे मिले, बहुत मज़ा आया मिलके, इनसे बातें की। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं टुवर्ड्स पोखरा टूरिज्म ऑफिस। पहले हम यहीं पर चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर मुस्तांग का परमिट मिलता है कि नहीं। चलो भाई, फिर मिलेंगे। और एक काम और करना है मुझे, यहाँ पर कोई पप्पू सब्जी वाला है, जिससे मुझे इंडियन पैसे देके नेपाली पैसे लेने हैं। अगर नहीं मिला तो कहीं पोखरा में लेना होगा मुझे। तो ये है ACA एंट्री परमिट काउंटर एंड इंफॉर्मेशन सेंटर बेसी शहर। यहाँ पर हम ले रहे हैं मुस्तांग के लिए परमिट, ताकि हम पोखरा को डायरेक्ट बाईपास करके सीधा बेनी निकल जाएँ। हमने परमिट यहाँ पर से लेना था, लेकिन हमें पता चला कि हमें एक और परमिट लेना होता है, टिम्स TIMS, जो लास्ट टाइम, मुझे लगा यहाँ पर मनांग के टाइम नहीं लिया तो शायद मुस्तांग में भी नहीं लेंगे, पर वो परमिट लगेगा और वो परमिट पोखरा ऑफिस में मिलेगा, तो हमने सोचा डायरेक्ट वहीं जाके दोनों परमिट ले लेते हैं। तो अब मिशन है, मिशन पप्पू खोजो। अगर मिल गए पप्पू भैया तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा यार। भैया पप्पू जी आप ही हैं? ओ, IC को नेपाली में कर देंगे? कितना? मैं 10 कर दीजिए। हाँ, आप तो बड़े फेमस है इधर। तो हमारा IC से नेपाली वाला काम तो हो गया, हमने 10,000 रुपये चेंज करा लिए और हमें 16,000 रुपये मिल गया। अरे अब ये मैं आप भी लगा लेता हूँ। ये नेपाल SBI बैंक लिमिटेड के बगल में इनका पप्पू तरकारी एंड फल फूल सप्लायर्स है, यहीं पे पप्पू जी बढ़िया काम कर रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या यहाँ पर हमें पेट्रोल मिलता है, क्योंकि लास्ट टाइम तो उन्होंने बताया था कि 10 बजे तक सब ख़त्म हो जाता है, और अभी 10:30 बज रहे हैं। और किसी ने ये भी बताया कि यहाँ अगर पेट्रोल पम्प नहीं मिलेगा, जो बेसी शहर का पेट्रोल पम्प है, विच इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम बेसी शहर, अगर वहाँ नहीं मिलता है तो नीचे और एक कोई पंप है जो यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है, वहाँ मिल जाएगा। लेट्स सी। वैसे मेरा जो अभी बता रहा है फ्यूल रेंज, वो 50 किलोमीटर का है, और यासिर भाई के पास थोड़ा बहुत पेट्रोल है उनके टैंक में, नहीं कुछ हुआ तो वहाँ से निकाल देंगे। वो एक्चुअली 3 लीटर एक्स्ट्रा लेकर चले थे, और उन्होंने वो डाल लिया। बाकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार इस बाइक ने पूरे मनांग ट्रिप में कहीं पेट्रोल नहीं मांगा। पूरा उधर ही, इधर से ही जो पेट्रोल लिया था उससे ही काम हो गया, क्योंकि ये पेट्रोल यार यहाँ पे अगर ब्लैक में लेता तो 250 से 300 रुपये पर लीटर रखता मुझे। 250 तो बेसी शहर का, ऊपर तो 350 भी लग सकता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी रही, पेट्रोल आज ख़त्म नहीं हुआ है। 183 रुपये 50 पैसे। अरे ये तो पीती जा रही है। वो 2000 का पेट्रोल ले लिया इसने। ओ भाई, 2100 2200। अब नहीं जाएगा, खत्म हो गया क्या? 2200 रुपए का पेट्रोल। ओ भाई, आज के इस राइड की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ से जाना है पोखरा। 110 किलोमीटर है, कोशिश करेंगे कोई भी ब्रेक नहीं ले, सीधा पोखरा पहुँचे, क्योंकि फिर वो ऑफिस बंद हो जाएगा यार। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत, आज के इस राइड की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम के साथ, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। और यहाँ चल रहा है नेपाल के इलेक्शन का कैंपेन, नेपाल में इलेक्शन होने वाले हैं,
हो सकता है जब तक वीडियो आए इलेक्शन हो चुका हो। जब हम आ रहे थे तो ये वाला रोड पूरा बंद कर दिया था और हमें नीचे नीचे से रास्ता बताया था आने का। ये शायद रात में अभी भी बंद कर देते हो या उस टाइम काम वाम चल रहा था। ये पूरा कंस्ट्रक्शन जोन है, लैंडस्लाइड का भी थोड़ा ख़तरा है शायद इसीलिए। और अभी लगता है कटाई छटाई हो गई है, अब बस जाने दो बस को पहले। वैसे तो इन रोड का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया है अभी क्योंकि पिछले 4-5 दिनों में आपने देखा ही होगा किस प्रकार के रोड थे जो हमने कवर किया है मनांग में। और अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है नेपाल राइड की, ज़रूर देखना, मज़ा आएगा यार। बहुत ही एडवेंचरस जर्नी रही है हमारी। -6 में थे, 17 डिग्री में आ गए हैं यार, गर्मी लग रही है। इसको खोलना पड़ेगा, इसको यहाँ खोलने से थोड़ा हवा वगैरह जाएगा बेसी शहर से अगर आप पोखरा जाते हो तो आपको करीब 110 किलोमीटर की जर्नी करनी होती है। और 110 किलोमीटर अगर आप इस रोड के माने तो कम से कम 3 घंटे आपको लगेंगे, क्योंकि एक तो पहाड़ी रीजन है और थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर काम भी चल रहा है। मैंने अभी तक करीब 25 किलोमीटर कर लिया। और बेसी शहर से जब हम काठमांडू से बेसी शहर आ रहे थे तो एक जगह था जहाँ से हमने कट लिया था और हम अंदर आ गए थे। उस जगह का नाम था डुमेर करके शायद नाम था, कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ। वहीं पर हमें वापस जाना है और वहाँ से अब हम राइट ले लेंगे। लेफ्ट लेंगे तो हम काठमांडू की तरफ चले जाएंगे, राइट ले लेंगे तो हम पोखरा की तरफ चले जाएंगे। वो जो जगह है जहाँ से हमें राइट लेफ्ट लेना है, मतलब राइट लेना है, वो 18 किलोमीटर है यहाँ से। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं डुमरे। डुमरे वो प्लेस है जहाँ से हमें राइट लेना है और डुमरे ही वो प्लेस है जहाँ से आप काठमांडू से जब पोखरा की तरफ आते हैं तो बेसी शहर के लिए अंदर जाते हैं। यहाँ से अब पोखरा रह गया 69 किलोमीटर। यार मैंने अपना जो बूट था वो वहीं छोड़ दिया क्योंकि वो पूरा फट गया था, और उसके बदले मैंने एक गम बूट ख़रीदा नेपाल से ही, जो मुझे 700 नेपाली रुपीज़ में पड़ा है, करीब 450 रुपए के आसपास इंडियन रुपीज़ का अगर वैल्यूएशन देखें। और ये वो बूट है, ये देख लो। अब इसको पहनने के बाद इतनी गर्मी लग रही है। वो बूट इतना अलग अलग तरीके से फट गया था। हमें क्या यहीं से निकलना है क्या? हाँ शायद। गजब गर्मी लग रही है पैरों में यार। मुझे लगा था अगर गम बूट मुझे सूट कर जाएगा तो मैं यही हर राइड पे पहना करूँगा, क्योंकि 400-500 रुपए में आता है और मेरा कोई भी बूट ज़्यादा दिन टिकता ही नहीं है। लेकिन ये तो बहुत गर्मी है यार इसमें, गर्मी हालांकि यहाँ भी है। अब हमें 64 किलोमीटर इसी रोड पर रहना है। बस आगे रोड थोड़ा सही हो यार। इस बार देख रहा हूँ यार बहुत जगह ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है। काठमांडू पोखरा रास्ते में भी कंस्ट्रक्शन एकदम धड़ल्ले से चल रहा है, और रक्सौल काठमांडू के तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा ऑफ रोड था उधर। यहाँ से अभी 50 किलोमीटर के आसपास पोखरा और है, पर जो समय बता रहा है वो गूगल वो बता रहा है 2 घंटे। इसका मतलब कि रास्ता ख़राब है। अब हम किसी शहर में एंटर कर रहे हैं। ये शहर कौन सा है? ये तो मुझे दमौली, दिस इज़ दमौली। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, रोड बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है यार। और सामने जो ये गाड़ी है एक पता नहीं कौन सी कंपनी की है, फॉरेस्टर, सुबारू। इंडिया में तो कोई ऐसा नहीं लॉन्च हुआ है अभी तक ब्रांड, ना ही लोगों समझ में आ रहा है। तो फाइनली यार हम पहुंच गए हैं पोखरा। अभी हम जा रहे हैं लेक साइड, यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट का ऑफिस है, फटाफट वहाँ से परमिट बनाना है। और फिर वैसे चाहते तो हम यहाँ स्टे करते, लेकिन हम चाह रहे हैं कि मुस्तांग पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आराम से पोखरा में आके स्टे करेंगे। लास्ट टाइम मैं इधर आया था 2019 में परमिट बनवाने, जब हम जा रहे थे मुस्तांग, उस टाइम हम आए थे विमल भाई के साथ और शुभम के साथ। यार ये टूरिज़्म ऑफिस तो मिल ही नहीं रहा है गूगल पे जो है,
पहले मैं खोजता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा वो मेरा फ्रेंड आ रहा है अभी, ठीक है हम लोग साथ में जाएंगे, ठीक है। तो हमारे फ्रेंड से मेरा मतलब है कि बिमल भाई आ रहे हैं, कितने दिनों के बाद, 2019 के बाद 2022 में उनसे मुलाकात होगी। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट विमल। कहाँ अभी कहाँ चलेंगे? हाँ हाँ, यहाँ पे हमें मिल चुके हैं विमल भाई। ओके भाई चलिए चलते हैं। इंडिया का मैच चल रहा है अभी, विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, इसके बाद वो करेंगे उसके बाद निकलेंगे। फिर आप जाने नहीं दोगे? चल। सो दिस इज फेवा लेक ऑफ पोखरा। वी आर अगेन क्लोज टू फेवा लेक। वी आर अगेन क्लोज टू फेवा लेक। अरे BR-01 की गाड़ी, और इतने दिनों के बाद विमल भाई से मिलके यार मज़ा आ गया। वही एनर्जी। यहीं पे कहीं होटल भी हुआ करता था, अभी शायद इन्होंने होटल चेंज कर लिया है। 3 साल पहले हम यहाँ आए थे, संग। हाँ, साथ ही आए थे यार, सरप्राइज दिया यार। ये यासिर भाई है, मैं जानता हूँ। आज रुके कल जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, फटाफट मैच आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे परमिट बन गया है, परमिट बन गया है ACAP का और टिम्स का। पहले मुझे लगा टिम्स नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर बना, बनांग में तो नहीं बना था। और हमारे साथ विमल भाई हैं फिर से, और अभी हम जा रहे हैं विमल भाई के घर, घर नहीं होटल, घर भी है होटल। और चलो फिर, क्या बात है, कितने दिनों के बाद पोखरा आके ऐसा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। पोखरा इज़ अ प्लेस, जैसे मैंने बोला भी, ये बहुत शांत है। जैसा काठमांडू है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, काठमांडू बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है उधर। तो हम आ गए हैं पोखरा, हमें हाईजैक कर लिया गया था। वैसे हमारा प्लान था कि हम यहाँ से बेसी सर से सीधा बेनी जाएंगे। मेरा ये भी प्लान था कि मैं आपको इस बारी बिना बताए पहले मुस्तांग अच्छे से कवर करके फिर यहाँ आके भले 10-15 दिन रुक जाऊँ, लेकिन लेकिन डांट डांट तो हमें डांट खाते हैं। लेकिन अच्छा क्या हुआ, लेकिन डांट खाते हैं आप। हुआ ये कि यार हमें वो जो टूरिज्म का ऑफिस था वो मिल नहीं रहा था। लास्ट टाइम मैं गया था, फिर मैंने यार हार फार के इनको फ़ोन किया, यार कहाँ है वो, कह रहे आप कहाँ हो, मैंने मैं पोखरा, जगह बताओ, और ये 5 मिनट में वहाँ आ गए। उसके बाद फिर हमारा परमिट हालांकि बन गया है, और अब यही प्लान है कि अब इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे मुस्तांग। मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट टाइम हमने 3 दिन में कवर किया था, इस बार शायद 2 दिन में कवर कर ले, क्योंकि अब रोड से थोड़ा यूज टू हो गए हैं। हमारे साथ यहाँ यासिर भाई भी है। यासिर भाई मज़ा आ रहा है? गुड मॉर्निंग। मुस्तांग के लिए कैसा, एक्साइटेड? एक्साइटेड। तो जैसा यासिर भाई ने बता दिया, ये गुड मॉर्निंग है, ये दूसरी सुबह है। कल हम आए, बस हमने थोड़ा इन्जॉय किया, यहीं पर रहे, और उसके बाद फिर बढ़िया सो गए। और ये जो जिस जगह हम बैठे हैं, लास्ट टाइम अगर आपने लास्ट नेपाल की वीडियो अगर आपको याद है तो हम किसी और प्रॉपर्टी में थे। ये विमल भाई का नया प्रॉपर्टी, इसका नाम क्या है? होटल टूरिस्ट रेसिडेंसी। होटल टूरिस्ट रेसिडेंसी। और ये इतना बढ़िया प्रॉपर्टी है, मतलब मैं आज इसको देख रहा था कि ये शहर से दूर भी है और शहर के पास भी exactly. है। ये एकदम जंगलों के बीच, हम अभी बहुत ही खूबसूरत शहर पोखरा में है। हालांकि आज के इस वीडियो में हम पोखरा को एक्सप्लोर नहीं करने वाले हैं। पोखरा को वैसे हमने बहुत अच्छे से, बहुत मज़े से एक्सप्लोर किया था, आपको याद है? ऑफ कोर्स, 3 साल पहले। इस बार ही फिर से करने वाले हैं, लेकिन पहले हम चले जाएंगे यहाँ से मुस्तांग। मुस्तांग के लिए यहाँ से निकलेंगे यार, बेनी आएगा, बेनी से फिर घासा लेते जॉमसम,
और कैसा रोड है कुछ बताओ यार। बहुत बेहतरीन अभी, बहुत बेहतरीन, एग्जैक्टली नो स्लश, यू आर नॉट गोना फाइंड एनी लैंडस्लाइड आल्सो। अभी अच्छा है, अभी इस समय बहुत बेहतरीन है जाने के लिए, हिमालय वगैरह सब खुले रहते हैं, तो इट्स बेटर। नवंबर इज द बेस्ट टाइम टू विजिट नेपाल। अक्टूबर नवंबर या इज द बेस्ट टाइम फॉर ट्रेक एंड फॉर बाइक राइडिंग एंड फॉर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर सिनेरियोस। तो अगर कभी आपका चक्कर लग रहा हो तो ये नंबर है स्क्रीन पे, आप बिमल भाई को पकड़ें और यहाँ पर आप बिल्कुल आ सकते हैं। वेलकम सभी को। यहाँ पे वैसे कितने रूम्स हैं, क्या क्या दे रहे हो सर्विसेस, ये बता दो थोड़ा बहुत। आने के बाद बताएगा हम लंबा रुकेंगे ठीक है, अभी आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ लेना, अगली वीडियो में हम आपको अच्छे से दिखा देंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है। अभी बस हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करें और फिर यहाँ से निकलेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है, सैंडविच, ऑमलेट, फ्राइड पोटैटो, और भाई ये है रईसों का खाना। क्या याजर भाई, ओके एंड दिस इज योर कॉफी। ये भाई का है। मेरा चाय इधर ख़त्म हो गया। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, हमारा बढ़िया ब्रेकफास्ट हो गया है और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं टुवर्ड्स मुस्तांग। आज कहाँ तक जाएंगे देखते हैं, क्योंकि निकलते निकलते 12 बज गए हैं। बाकी बिमल भाई बहुत जल्द मिलते हैं, फिर बहुत जल्द मिलेंगे और बहुत जल्द हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं नेपाल कुछ नए तरीके से। गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फेसबुक पर पहली बार देख रहे हो तो फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं गाइज बहुत जल्द नेपाल राइड के नेक्स्ट एडवेंचरस एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। परफेक्ट।